हम पर आरूढ़ न हो, हम जोग पर आरूढ़ हो, इसका भी ध्यान रखो। आरूढ़ोर मुनेर जोगाम, योग हमारे ऊपर हावी न हो जाए और हमारे स्वातंत्र का सत्यानाश न कर दे, हम जोग पर आरूढ़ हो जाए। घोड़ा हमारे ऊपर न चढ़े, हम घोड़े पर चढ़े। ये जो घोड़ा है इसको अपने सिर पे नहीं चढ़ाना चाहिए और इसके ऊपर सवारी गांठनी चाहिए। आर रुक्षोर मुनेर जोगाम, जो मुनि जोग पर आरोहण करने की, घोड़े पर चढ़ने की, जोग रूपी घोड़े पर चढ़ने की इच्छा रखता है। आर रुक्षोर मुनेर जोगाम। कबीर साहब जब बुढ़े हो गए थे तो बनारस से निकल के कहीं एकांत में जाते थे और वहां जाके भजन करते थे। तो एक दिन उनके मन में इच्छा हुई कि अब मैं बुढ़ा हो गया, इतनी दूर जंगल में आने में तकलीफ होती है, अगर कोई घोड़ी मिल जाए तो उस पर चढ़ के आवेंगे, जंगल में चरने के लिए छोड़ देंगे और फिर जब लौटेंगे, जब उस पर बैठ के घर चले जाएंगे। आने जाने के लिए घोड़ी चाहिए। अब महाराज भजन करने बैठे, इसी बीच में क्या हुआ कि राजा साहब आए थे वहां शिकार खेलने घोड़ी पर चढ़ के। अब घोड़ी के वहां बछेड़ी पैदा हो गई जंगल में, बछेड़ी हो गई घोड़ी के नारायण, और अब उसको लेके कौन जाए घर पे। तो उनके साथ जो सिपाही थे उन्होंने देखा कि ये एक आदमी बैठ के आंख बंद किए हुए बैठा है, पकड़ के ले आए। बोले देखो ये राजा साहब की घोड़ी भी आई है, आज बछेड़ी हुई है, इसको कंधे पर रख के ले चलो रियासत में पहुंचा। हे भगवान, अब कबीर साहब सिर ठोंके हैं कि मैं तो खुद घोड़ी पर चढ़ना चाहता था, ये घोड़ी मेरे ऊपर चढ़ने के लिए आ गई, है ना। कई ईश्वर से भी भूल होती है क्या कि हम चाहे घोड़ी पर चढ़ना और घोड़ी को हमारे ऊपर चढ़ा दें। तो ये जो जोग है ना महाराज, जोग ये घोड़ा है, ये कहीं पहुंचने के लिए, ये कहीं पहुंचने के लिए साधन है। तो यदि कोई इस साधन को प्राप्त करना चाहता है तो उसको कर्म करना चाहिए। आसन करो, प्राणायाम करो, संध्या वंदन करो, अग्निहोत्र करो, चित्त शुद्ध करो। और जब जोग के ऊपर सवारी गांठ ली तो बोले शांति चाहिए। अच्छा, शांति में समाधि चाहिए कि नहीं, ये बात आपको सुना देते हैं। जोगारूढ़स्य तस्यैव समः कारणम् उच्यते। जोगारूढ़ कब होता है? आपने योग रूपी घोड़े पर सवारी गांठ ली, आप चाहे उसको बाएं मोड़ दें, दाहिने मोड़ दें, जोर से दौड़ावें, धीरे चलावें, हैं, खड़ा कर दें। ये नहीं कि ऐसी आदत बिगड़ जाए कि उसके बिना हम रह ही ना सकें, तो पराधीनता हो जाएगी ना। अपना स्वातंत्र खोकर जो साधन और सिद्धि मिलती है वो हमारे वेद शास्त्र को मान्य नहीं है। ईश्वर की पराधीनता भी वेदांत शास्त्र नहीं मानता है। अद्भुत है, सर्वम परवशम दुःखम्। जहां परवशता है, व्यवहार में आप परवश रहिए, परंतु परमार्थ में आप बिल्कुल नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वच्छंद स्वच्छ स्वच्छ स्वच्छंद स्वतंत्र हैं। तो जोगारूढ़ की क्या परिभाषा है? यदा ही नेन्द्रियार्थेषु न कर्म स्वनुसज्जते सर्वसंकल्प संन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। अजी हाँ ठीक है, हम देख रहे हैं आप घोड़े पर सवार हैं। कैसे घोड़े पर? किसी विषय में आपकी आसक्ति नहीं है, माने विषय तो सब दिख रहे हैं, शब्द सुनाई पड़ रहा है, रूप दिखाई पड़ रहा है, स्पर्श का अनुभव हो रहा है, स्वाद आ रहा है, गंध आ रही है, परंतु अनुशक्ति नहीं है। आओ अब इसी के पीछे चलें, इसी के पीछे लग जाएं, चलते जा रहे हैं, जो पीछे छूट जाता है उसकी याद नहीं आती है, छूट गया,
अनुशक्ति नहीं है। अच्छा, इसमें आप एक बात देखो, घोड़े पर चढ़ने वाली बात इसमें है, केवल उपमान ही लुप्त है ना। ये साहित्य में बोलने की प्रक्रिया है कि उपमान का नाम नहीं लेते और धर्म का वर्णन कर देते हैं, ये साहित्यिकों को मालूम है। तो जैसे आप घोड़े पर चढ़ के चलते हैं तो इंद्रियार्थेषु विषयेषु, कैसा पेड़ पड़ा, कैसी लता पड़ी, कैसा सरोवर पड़ा, आप देखते तो सब जाते हैं, कैसी स्त्री मिली, कैसा पुरुष मिला, घोड़े पर चढ़ते हुए चले जा रहे हैं। लेकिन यदि किसी में आपकी आंख चिपक जाएगी, मन चिपक जाएगा, तो आप वहीं रह जाएंगे। देखते हुए चले जा रहे हैं, देखते हुए चले जा रहे हैं। ये देखो, योग के घोड़े पर आरूढ़ होकर आप किसी विषय में, विषय माने संस्कृत में देश भी होता है, किसी स्थान में, किसी वस्तु में आप आसक्त नहीं हो रहे हैं। न कर्मस्वनु सज्जते, घोड़े पर चढ़ के आप पेड़ काट रहे हैं और ये नारद ऐसे नहीं, किसी कर्म में भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। ये आसक्ति बड़ी विचित्र होती है। एक बाणिय को जब पैसा कमाने में आसक्ति हो जाती है तो अपना खाना भी भूल जाता है। व्यापार करना तो एक कर्म है और उसमें इतनी आसक्ति हुई कि जिस शरीर के ठीक रहने से, भोजन से व्यापार होता है, उस शरीर को ठीक रखना ही भूल जाता है। तो बोले नहीं, अभी तुम सच्चे व्यापारी नहीं हो। कल लाख गया रोने लगा, लाख आया हंसने लगा, बोले अभी नहीं नहीं सच्चे व्यापारी नहीं हो। जो व्यापार में लगता है वो लाख खोता हुआ, लाख कमाता हुआ अपने लक्ष्य की ओर चलता है। न कर्मस्व अनुसज्जते, बोले भाई हम घोड़े पर चढ़ के दौड़ते भी रहेंगे, घोड़ा भी दौड़ता रहेगा और हम उसके पीठ पर बैठ के नाचते भी रहेंगे, पीठ पर खड़े होके नाचेंगे भी, तो नहीं कर्मा सकते। इसमें चार बात का ध्यान रखना पड़ता है, फलाशक्ति, कर्मासक्ति, कर्तृत्वाशक्ति, अकर्तृत्वाशक्ति। ये महात्मा लोग इस बात को जानते हैं, किताब पढ़ने वाले तो जानते ही नहीं। क्या होता है कि हम ये जो हमको ये हमको सुख मिले, ये तो सब चाहते हैं, नैसर्गिक है, स्वाभाविक है, परंतु बोले नहीं नहीं हमको संगीत सुन के कान के रास्ते से ही सुख मिले। लो, बोले संगीत में भी हम आसावरी या भैरवी ही सुने। अब जिस दिन भैरवी गाने वाला नहीं मिलेगा या आसावरी सुनाने वाला नहीं मिलेगा, उस दिन आपके कान भूखे प्यासे आपको तकलीफ देने लगेंगे। हो नारायण, तो सुख को किसी एक विषय में या एक इंद्रिय में या सब विषयों में, सब इंद्रियों में बांध देना, ये अपने लिए बंधन हो जाता है। तो फलाशक्ति नहीं होनी चाहिए कि सुख हमको इस द्वार से आवे। अरे बाबा सुख आवे, घर में से निकले आवे तो भी ठीक है, किसी दरवाजे से आवे तो ठीक है, आसमान में से टपक पड़े तो ठीक है। तुमको सुख चाहिए कि सुख का द्वार चाहिए? कब बोले आज का, आज का हमारे पतिदेव ये नहीं है, हमारे पतिदेव नहीं है। क्यों? वो तो लाख रुपए वाली मोटर में आते हैं, आज तो टैक्सी में आए। अरे भाई लाख रुपए वाली मोटर बिगड़ गई रास्ते में, तो टैक्सी से वो जल्दी से घर में आ गए तो उनको पहचान के स्वागत करना चाहिए कि किवाड़ी बंद कर देनी चाहिए कि नहीं नहीं आज आज लाख रुपए वाली मोटर में नहीं आए, टैक्सी में आए। आप वाहन का आदर करते हैं, पतिदेव का आदर नहीं करते। तो एक तो सुख के लिए जो विषय और इंद्रिय द्वा इसी दरवाजे से आने, हमारे पति तो चुपचाप चोर द्वार से रोज आया करते थे, आज फाटक से क्यों आए, कहीं हमारे पति नहीं है। लो, ऐसे नहीं होता है।
तो एक तो सुखा शक्ति, दूसरे कर्मा शक्ति, ये काम करने से सुख मिलता है, कर्म में बंधन। फिर जो लोग सुख सब जगह ले लेते हैं और कर्म में आसक्ति नहीं रखते कि करते ही रहें, उनको भी कर्तृत्व आसक्ति रहती है। एक ही काम करें ये कर्माशक्ति है, और कोई न कोई काम रोज पेट में बोझ बना रहे, दिमाग में बोझ बना रहे, ये कर्तृत्व आसक्ति है। और फिर कहीं सुन सुना के आए कि आत्मा तो अकर्ता है और हाथ पांव बांध के बैठ गए। कहा भाई अकर्ता होना जो है यही जो है बड़ा भारी जोग है। तो भाई ये सब नासमझी की बातें हैं। जोगारूढ़ माने होता है विषय में आसक्ति न होना और विषय रहें और विषय में आसक्ति न हो, कर्म हो परंतु कर्म में आसक्ति न हो। तब तो बोले सर्व संकल्प संन्यासी, किसी में इतनी अच्छाई की कल्पना न हो जाए। संकल्प माने सम्यक्त्व की कल्पना, किसी कर्म में या किसी सुख में या किसी सुख के वाहन में अच्छाई की इतनी कल्पना न हो जाए। श्रीमती जी रो रही थी, पति ने पूछा श्रीमती जी क्यों रो रही हैं, तो बोली कि आज हमारी वो हरे रंग वाली जूती की रस्सी जो ऊपर बांधते हैं अपन की कल्पना, सम्यक्त की कल्पना हो गई, यही अच्छी है। लो अब हो जाओ दुखी। ओ दुखी दुखी, दुख को बुला लिया, आ बैल मोल मार, आओ दुख हमको लग जाओ। तो संसार में जो विषय आते हैं उनमें सम्यक्त्व की कल्पना ना हो, जो हम काम कर रहे हैं का उनमें भी सम्यक्त्व की कल्पना आसक्ति ना हो। सर्व संकल्प संन्यासी, इनको रख दिया धरोहर। अरे जा भाई तू अलग रहे। बोले इसका नाम देखो जोगारूढ़ है, मन है परंतु संकल्प नहीं है, कर्म है परंतु आसक्ति नहीं है, विषय है परंतु आसक्ति नहीं है। अब यानी आंख बंद करने वाले का नाम जोगारूढ़ नहीं, हाथ बांधने वाले का नाम जोगारूढ़ नहीं, जोगारूढ़ सदोच्यते। इसी प्रसंग में आप परम जोगी का भी पहचान कर लें। परम जोगी कौन है? आत्मौपमेन सर्वत्र समं पश्यति योर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। मधुसूदन सरस्वती ने साफ कहा समाधि लगाने वाला योगी अपर योगी है, दूसरे नंबर का योगी है, और ये परम योगी है जो खुली आंख से चलते फिरते हिलते बोलते आत्मोपमेन सर्वत्र समं पश्यति। अपना सुख अपना दुख, पराया सुख पराया दुख, एक ही है, एक ही दृष्टि से देख रहा। ये जो समत्व है, जो यम जोगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन, इसका नाम साम्य योग है। तो जोगारूढ़त्वम आसाद्य, क्या करे कि इस संसार के समुद्र में आप थपेड़े खा रहे हैं, लहरा रहे हैं। अच्छा, यदि श्री कृष्ण चाहते तो अपना जेल में पैदा होना रोक सकते थे कि नहीं? तो पैदा होते ही पराए घर में जाना पड़े, है ना, इसको बंद कर सकते थे कि नहीं? पूतना का जहर पिलाना रोक सकते थे कि नहीं? साहब देखो जेल में पैदा होते जा रहे हैं, पैदा होके पराए घर में जाते चलते जा रहे हैं, पूतना का जहर पीते जा रहे हैं, तो बैलगाड़ी गिर रही है, पेड़ गिर रहा है, अजगर के मुंह में जा रहे हैं, पानी में डूबना पड़ रहा है, सब सामना करते हुए मामा को मार रहे हैं अपने आप से,
17 बार जरासंध से लड़ाई कर रहे हैं अपने किले में, 18वीं बार काल यवन के साथ भाग रहे हैं और धन लूट रहा है, गांव छोड़ना पड़ रहा है, पहाड़ों में घूम घूम के नंगे पांव आश्रमों में साधुओं के जा जाकर रोटी खानी पड़ रही है, पहाड़ में आग लग रही है तो कूदना पड़ रहा है, समुद्र में जाके रह रहे हैं, हैं? ब्याह करने के लिए स्त्री का अपहरण करना पड़ रहा है, ससुर के घर में डाका पड़ रहा है, भाई अविश्वास कर रहा है, पत्नियां आपस में लड़ रही हैं, बेटे शराबी होते जा रहे हैं, बेटे है ना शराबी होते जा रहे हैं, बाप बिल्कुल नहीं मानते हैं, अपने सामने ही लड़ते हैं, और श्री कृष्ण ज्यों के त्यों हो, इसका नाम है गीता स्थित प्रज्ञ, ज्यों के त्यों अपने स्वरूप में मरो साथ है? इसका नाम है जोगारूढ़। बोला ये देखो हमने बनारसी ब्रज ब्रज की बोली बोल दी हूँ, मरो सारे ये ब्रज की बोली। अच्छा अब देखो आप लोग जो हैं वो सारे कार साले समझ के हंसते होंगे ना, हैं? सारे माने सब सब। एक बार नेहरू जी गए थे उधर तो बोले सारे के सारे, अब महाराज लोग कहें क्या गाली दे रहे हैं, है ना? गाली देर सारे के सारे माने साला नहीं हो सब के सारे। तो देखो ये है गीता कृष्ण के मुंह से निकलती है कि नहीं वो तो अर्जुन जाने और संजय जाने, संजय ने टेलीविजन पर देखा था और अर्जुन ने आंख से देखा था, अर्जुन कृष्ण के मुंह से गीता निकलती है नहीं कि नहीं ये तो वो लोग जाने, है ना? हम जानते हैं कि कृष्ण के जीवन का एक एक क्षण गीता बोल रहा है, दुखे स्वनोद्विग्न मना सुखे सु विगत प्रया, इसका नाम योग है, इसका नाम जीवन मुक्ति है। बोले मौत ना आने पावे, रोग ना आने पावे, घाटा ना आने पावे, इसका नाम योग है कि इसका नाम योग नहीं है? तुम्हारे दिल में, तुम्हारे दिल में हजार हजार दुख आके चले जाएं और तुम ज्यों के त्यों अचल रहो, इसका नाम योग है। दुख योगारूढ़त्वम आगाद्य सम्यक दर्शन निष्ठया संन्यस्य सर्व कर्माणि भवबंध विमुक्ते यत्यताम पंडितैर्धीरैः आत्माभ्यास उपस्थितैः। हम केवल आपको संस्कृत भाषा की दृष्टि से उसको समझने का कैसे प्रयास किया जाता है, कैसे उसका अध्ययन अध्यापन होता है ना? आप कोई बात न समझें तब भी इस भाषा के गौरव को अनुभव करें, इसमें जो कही गई है बात वो किस ढंग से कही गई है। अब अगले श्लोक में देखो, संन्यस्य सर्वकर्माणि भवबंध विमुक्तये यत्यताम पंडितैर धीरैः आत्माभ्यासे उपस्थितैः। पहले हाजिर बोलते हैं, हाजिर स्कूल में कॉलेज में है ना, बोलते हैं उपस्थित हो उसमें। तो आप पहले आत्माभ्यास के सम्मुख सम्मुख हो जाइए, सम्मुख होना और विमुख होना, विषयाभ्यास के सम्मुख हो रहे हैं और आत्माभ्यास से विमुख हो रहे हैं। तो आइए आइए आप जरा आत्माभ्यास के पास खड़े हो जाइए, यह है सम्मुख। जब हम लोग देवताओं की पूजा करते हैं ना तब कहते हैं ए ही सम्मुखीनो भव प्रतीद। आइए आइए जरा मेरी ओर देखिए, है ना, मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाइए, ऐसे बोलते हैं। अब जो लोग कायदे से पूजा नहीं करते हैं ना उनको तो ये भी नहीं मालूम है, कायदे से पूजा करें तो सब मालूम हो जाए। उपस्थित हो उसमें, अब मैं आत्माभ्यास करने के लिए उपस्थित हूं, बिल्कुल तैयार तत्पर हूं। आत्माभ्यास माने
श्रवण मनन निधिध्यास। प्रत्यक्ष अनुमान आदि प्रमाणों से जितनी वस्तु ज्ञात होती है वो ज्ञेय होती है, और सबका ज्ञान ज्ञान वृत्ति जिससे वृत्ति ज्ञान जिससे प्रकाशित होता है, उस आत्मा का स्वरूप जानने के लिए मैं श्रवण करने के लिए उस पर मनन करने के लिए, श्रवण माने कान से नहीं, उसका ठीक ठीक निश्चय प्राप्त करने के लिए और उसको युक्ति संगत रूप से जानने के लिए, उसका अपरोक्ष साक्षात्कार करने के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूँ, तत्पर। अच्छा जी, तत्पर है? कहाँ तत्पर है? अब देखो थोड़ी सी बात आपसे, क्या देखो, पंडितई ही धीरई ही, दोनों में आपको फर्क मालूम पड़ता है? पंडित होना चाहिए और धीर होना चाहिए। पंडित कहते हैं जिसको विवेक, संस्कृत शब्द में बुद्धि का एक नाम है पंडा, पंडा सदसद विवेकिनी बुद्धि, जो सत्य और असत्य को अलग अलग कर दे। व्याकरण का विद्यार्थी स्वास्थ्य जानता है, पंडा माने सत्य और असत्य का पृथक्करण करने वाली, ये पहचान जाने वाली कि ये सच है ये झूठ है, इस बुद्धि का नाम होता है पंडा। और वो पंडा माने सत्य और झूठ का विवेक करने वाली, पृथक्करण करने वाली, विश्लेषण करने वाली बुद्धि जिसको प्राप्त हो गई है, उसका नाम होता है संस्कृत भाषा में पंडित, विवेक निपुण। और धीर शब्द का क्या अर्थ होता है? अच्छा, ये भी देखो, आपको गीता में से दोनों शब्द बताते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदाः आगमा पायिनो नित्याः तास्तिति क्षस्व भारत यम हि न व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुख सुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते। धीराः अमृतत्वं भजन्ते, धीर शब्द का अर्थ है जो सुख को सहले और दुख को सहले, सहिष्णु। धीर माने जो सुख में भी धैर्य से च्युत न हो और दुख में भी धैर्य से च्युत न हो। ओ महाराज, एक किसान है, जिस दिन पैसा मिलता है उस दिन शराब की दुकान पर जाके इतना पीता है कि लोग उठा के ले आते हैं, हम जानते हैं, बोला ऐसे किसान को हम जानते हैं, पैसा मिला और मस्ती में आया और जाके शराब पी और बेहोश होकर गिर गया, तो उससे पैसा सहन नहीं हुआ। और सेठों के घर में करोड़ रुपए आ जाए तो पत्नी को भी पता न चले, बेटे को भी पता न चले, महाराज ऐसे धीर गंभीर बने रहते हैं, अभी व्यापार में पूरा लाभ ऐसा छिपाते हैं महाराज, व्यापार की स्थिति बड़ी गंभीर है, करोड़ रुपए रोज की आमदनी जिनको होती है वो घर में बोलते हैं व्यापार की स्थिति जरा गंभीर है, हम जानते हैं, बोला ऐसे लोगों का हम नाम ले सकते हैं, बोला एक सेठ दूसरे सेठ के बारे में बोलता है, महाराज बेचा फायदा हो रहा है इसको, बेहद फायदा हो रहा है, बेहुदा फायदा हो रहा है, ऐसे बोलता है और जिसको बताता है ना कि हो रहा है वो कहता है, महाराज आजकल व्यापार की स्थिति जरा बहुत गंभीर है तो देखो ये लोग फायदा सह लेते हैं। लेनिन था ना, लेनिन जो रूस का, वो बहुत छोटी स्थिति में पैदा हुआ था,
कोई बढ़ई दुहार के घर में पैदा हुआ था और छोटा काम करता था, परंतु एक दिन वो रूस का सर्वे सर्वा हो गया। तो जब उसकी माँ को ले गए ना उसको दिखाने के लिए, और देखा कि उसका पुत्र सर्वोच्च सिंहासन पर बैठा हुआ है, तो इसकी धड़कन ऐसी पड़ी कि वही हार फेल हो गया। सहन नहीं हुआ, खुशी को सह न सके। तो खुशी जब सहन नहीं होती है तो आदमी उच्छृंखल हो जाता है, उपद्रव करने लगता है, हमको ये स्त्री चाहिए, हमको ये मकान चाहिए, हमको ये भोग चाहिए, है ना, हम तो ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे। हेलो, तो भी सहन नहीं हुआ, और जब दुख आता है तब भी छाती पीट पीट के रोने लगता है, वो भी सहन नहीं होता है। तो धीर का अर्थ होता है सम दुख सुखम धीरम सो मृतत्वाय कल्पते। यदि आप दुनिया में कुछ मिलने से उच्छृंखल हो जाते हो और कुछ खो जाने से रोने लगते हो, तब आप आत्मचिंतन कैसे करोगे? इसलिए पहली बात यह है कि विवेक जागृत होना चाहिए। आप दूसरे के विवेक पर ध्यान मत दो, अपने विवेक पर ध्यान दो, कौन कैसा है कौन कैसा है। दो बात हुई, तो एक हुई कि आत्माभ्यास के लिए श्रवण मनन निधि ध्यासन के लिए तत्पर हो जाओ, तत्परता तैयार, तत्पर माने तैयार, तात्पर्य, और दूसरे विवेक और तीसरे धैर्य, इनको लेकर के आप क्या करो, यत्यताम प्रयास करो, प्रयास करो, प्रयत्न करो। अच्छा, और जिसने विषय भोग के लिए प्रयास किया है और ईश्वर की प्राप्ति के लिए प्रयास नहीं करेगा, उसको संतोष कभी होगा नहीं, आत्म संतोष नहीं होगा। खाने के लिए प्रयास करेगा, पाने के लिए प्रयास करेगा, भोगने के लिए प्रयास करेगा और ईश्वर के बारे में नहीं, संतोष ही नहीं होगा वो, जब तक बदला नहीं चुका लोगे, आपको आत्मपुष्टि नहीं होगी, आत्मग्लानी बनी रहेगी। यत्यताम यत्यताम प्रयास करो, प्रयास करो। अब बोले भाई कैसे प्रयास, कस्मै प्रयोजन आया, बोले भव बंध विमुक्ते, किं कृत्वा यत्यताम सर्वकर्माणि संन्यस्य, किस प्रयोजन से प्रयत्न करें, बोले भव बंधन से मुक्ति के लिए। क्या करके प्रयत्न करें, बोले सर्वकर्माणि संन्यस्य, सर्वकर्म संन्यास करें। अब आपको इसके बारे में दो बात सुना, विवेकी होना चाहिए, धीर होना चाहिए, श्रवण मनन निधि ध्यासन के लिए सन्मुख होना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए सन्मुख होकर, ये नहीं कि अपने आप आ जाएगा। अपने आप पाने वालों को तो ये समझना चाहिए कि उनके मन में वो वस्तु पाने की लालसा ही नहीं है। बोले देखो एक सज्जन है, बड़े सज्जन हैं, बड़े महात्मा हैं, बड़े श्रेष्ठ पुरुष हैं, तो चलो उनका दर्शन करे आओ, का नहीं नहीं जब उनकी मौज होगी, जब हमारे घर में आ जाए। क्या मतलब हुआ, आपके मन में उनके दर्शन की कोई लालसा नहीं है। यदि दर्शन की लालसा होती, चाह होती, तो आप उसके लिए प्रयास करते हैं। प्रयास करने से कुछ प्रयोजन सिद्ध होगा, कहां सिद्ध होगा, आप जो बंध गए हैं ना, बंध गए हैं, इस बंधन से छूट जाएंगे। पैदा हुई चीजों में बंध गए हैं, पैदा होने वाली चीजों में बंध गए हैं, और ये भव शब्द जो है ना संस्कृत में, जो पैदा हो गया है वो भी भव है, और जो पैदा हो रहा है वो भी भव है, और जो पैदा होने का कारण है वो भी भव है। भवति अस्मात् इति भवः, कहां से आप
जो हुआ उससे छूटिए, जो हो रहा है उससे छूटिए, और जिससे होता है उससे भी छूटिए। कार्य कारणात्मक प्रपंच से छूटिए। इसके लिए बोले कैसे छूटे हैं? बोले भाई और चीजों को पाने के लिए जो प्रयत्न है ना, पैसा पाने के लिए प्रयत्न है तो, स्त्री पाने के लिए प्रयत्न है, पुरुष पाने के लिए प्रयत्न है, मकान पाने के लिए प्रयत्न है, नहीं नहीं स्वर्ग पाने के लिए प्रयत्न है। बोले नहीं, केवल प्रत्येक भेदे न जो अनंत अद्वितीय ब्रह्म है। देखो जो अपने से अलग होगा वो अद्वितीय नहीं हो सकता, एक बात। जो अपने से अलग होगा वो चेतन ही नहीं हो सकता, दो बात। और जो अपने से अलग होगा, अपने से अलग होगा, चेतन होगा तो या तो कल्पित होगा और या तो दृश्य होगा तो जड़ हो जाएगा। जो अपने से अलग होगा वो आनंद ही नहीं होगा, पराधीन होगा, स्वाधीन नहीं होगा। और जो अपने से अलग होगा वो न स्वयं अद्वितीय होगा न हम अद्वितीय होंगे। इसलिए दूसरी वस्तुओं को पाने के लिए जो प्रयास है, उधर से उपराम होकर अपनी प्राप्ति के लिए प्रयास तो रहे, आप निकम्मे न हो, प्रयत्न तो आपके जीवन में रहे, प्रयत्न रहे। देखो ये स्पष्ट है, यत्यता, यत्यता माने आपके जीवन में प्रयत्न रहे, परंतु दूसरी वस्तुओं को पाने के लिए प्रयत्न न रहे, अपना जो अपनी जो सहज पूर्णता है उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न रहे, तब वो मिलेगा, मिला हुआ मालूम पड़ेगा। ओ पश्यन्नात्मनिमालयाभिरुद्धमुदितायत्रयो प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रीदक्षिणामूर्तये रेरे ब्रह्मांडकोट्यः फलत बहुविधं लोमकूपेष्वीक्षणम् ईशारे सावकाशं निजपदविहितां सद्व्यवस्थां विरक्तं रक्ता भक्ता विरक्ता विलसत सकले सत्कले निष्कले वा श्रीपूर्णानन्दतीर्थं वयमिह कुशला उत्कलं संविशामः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। संस्कृत भाषा में अर्थ करने की एक प्रणाली होती है, जैसे पदक छेद करते हैं, दो पदों की जो संधि होती है उसको अलग अलग कर देते हैं, समास का विग्रह कर देते हैं, अन्वय कर लेते हैं, व्याख्या कर देते हैं और फिर पदकृत्य बताते हैं। ये पदकृत्य क्या होता है इसको यदि आप समझें तो बोलने में
एक कानून जानने वाले को जितनी चतुराई रखनी, जितनी सावधानी रखनी पड़ती है, उतनी सावधानी रखें। जैसे ब्रह्म का वर्णन है तो कह दिया सत्यम ज्ञानम अनंतम, तो तीन पद का क्या प्रयोजन है? पदकृत्य माने पद अपना कौन सा कृत्य पूरा करता है, अलग अलग तीन पद क्यों प्रयोग किए गए? तो देखो, यदि सत्यम कहेंगे ब्रह्म को तो वो सत्य तो होगा परंतु जड़ होना संभव है, तो ज्ञानम कह दिया, मानो जड़ नहीं है चेतन है। अच्छा, केवल ज्ञानम कहें तो बोले क्षणिक होना संभव है, जैसे वृत्तियां क्षणिक होती हैं वैसे ज्ञान क्षणिक होगा, तो सत्यम कह दिया। तो सत्य कह देने से तो क्षणिकता नहीं रही और ज्ञान कह देने से जड़ता नहीं रही, दोनों ने अपना काम पूरा किया। एक ने ज्ञान में से क्षणिकता को काट दिया और एक ने तत्व में से जड़ता को काट दिया। अब एक तीसरी बात कही गई अनंतम, अनंतम माने अबाधितम। कोई भी प्रमाण दुनिया में ऐसा नहीं हो सकता जो उसको मिथ्या सिद्ध कर दे, क्यों? वो अपना आत्मा है। अपने आप को मिथ्या सिद्ध करने वाला दुनिया में न कभी था, न है, न होगा। मेरी बात मिथ्या है ऐसा हो सकता है, मेरे विचार मिथ्या है ऐसा भी हो सकता है, मेरी स्थिति मिथ्या है ये भी हो सकता है, मेरा अभिमान मिथ्या है ये भी हो सकता है, परंतु मैं ही मिथ्या हूं ऐसा अनुभव कभी किसी को नहीं हो सकता। तो पदकृत्य क्या हुआ? सत्य ने अपना काम किया कि ज्ञान को क्षणिक नहीं होने दिया, ज्ञान ने अपना काम किया कि सत्य को जड़ नहीं होने दिया, और अनंतम ने अपना काम किया कि अबाध्य सत्य प्रत्यक्ष चैतन्य नहीं है, अपना आत्मा ही है। इसका नाम होता है पदकृत्य। ये आपको बताया नमूना। नैयायिक लोगों ने दूसरे दृष्टांत दिए हैं। हो वाक्य जब बोले निष्प्रयोजन नहीं हो, उसमें अव्याप्ति अतिव्याप्ति असंभव ये दोष ना हो, बोलिए तो तब जब बोलिवे की रीति जानो, बोलिवे की रीति मालूम हो, बोलने की पद्धति मालूम हो तब तो बोलिए, ना तो चुप हुए रहिए। विशेषतः सर्वविदाम समाजे विभूषणम मौनम अपंडिता नाम, जहां बहुत ज्यादा जानकार बैठे हों वहां जो चुप रहेगा उसकी इज्जत बढ़ेगी कि पता नहीं ये क्या क्या जानता है, और जो बोलेगा वो अपने को बेइज्जत कर देगा। विशेषतः सर्वविदाम समाजे विभूषणम मौनम अपंडिता नाम। अब आओ आपको देखो, आत्माभ्यासे उपस्थित ही आपको अभ्यास क्या करना है? अपने स्वरूप का। बोले अपने स्वरूप का अभ्यास क्या होगा? ये जो अन्य के स्वरूप का अभ्यास दिल दिमाग में भर गया है ना, घड़ा ऐसा, कपड़ा ऐसा, बाजार ऐसा, औरत ऐसी, मर्द ऐसा, ये क्या है? ये अनात्मा का अभ्यास है। अभ्यास माने दोहराना, बोला संस्कृत भाषा में अभ्यास माने दोहराना होता है। तो बार बार हम किसको दोहराते हैं? मकान ऐसा है, रुपया ऐसा है, कपड़ा ऐसा है, दोस्त ऐसा है, दुश्मन ऐसा है। अनात्मा का अभ्यास अपने जीवन में प्रविष्ट हो गया है, तो अब क्या करना है? बोले आत्मा का अभ्यास करना है। मैं ऐसा ऐसा समझो, मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त
ऐसा अभ्यास करना। इसमें असंगता साक्षिता काम नहीं देती है, उसमें भी मैं असंग हूं मैं साक्षी हूं ये दोहराना पड़ेगा, नहीं तो अविद्या निवर्तक बल की उत्पत्ति नहीं होगी। ये बात हमारे वेदांतियों को छोड़कर दूसरा कोई नहीं जानता है कि अविद्या की निवृत्ति के लिए जिस ज्ञान बल की अपेक्षा है वो केवल असंग साक्षी रूप से बैठने से वो बल उत्पन्न नहीं होता, तात्कालिक शांति मिलती है। असल में तो भ्रम मिटाने के लिए ज्ञान बल का उदय होना चाहिए, बाल्य नतिष्ठा से, और बल तब आवेगा जब अभ्यास होगा। तो अब आत्माभ्यास है, एक दो आत्माभ्यास का वो बता देता हूं लक्षण पहचान। एकांत में बैठिए तो आत्मा का चिंतन कीजिए, वो कैसा है। जब आपके पास कोई आवे तो मौसम कैसा है, गर्मी कितनी पड़ रही है, सर्दी कितनी पड़ रही है, अरे वो तो उसको भी मालूम है। हाँ, वो कोई मूर्ख थोड़ा ही है कि उसको तुम दिखा रहे हो कि गर्मी कितनी पड़ रही है, बेमतलब बोल रहे हो कि नहीं। वो भी जानता है गर्मी कितनी है, तुम भी जानते हो कि गर्मी कितनी है, और फिर क्या करते हो का अपने दिल में जो गर्मी के प्रति भड़ास भरी हुई है वो निकालते हो, और या तो शिष्टाचार करते हो। तो आत्माभ्यास कैसा, दृश्यम नास्तीति बोधे न मनसो दृश्यमार्जनम संपन्नम चेत तदुत्पन्ना परा निर्वाण निर्वृति ही। इसका नाम आत्माभ्यास है। दृश्य जो है वो दृष्टा की चमक है, दमक है। दृश्य अलग है और दृष्टा अलग है, इसके मूल में दृष्टा के स्वरूप का अज्ञान है। श्री उड़िया बाबा जी महाराज ने हमसे एक बार पूछा कि क्यों संतनु दृष्टा और दृश्य के बीच में क्या चीज रहती है जिससे दोनों अलग अलग होते हैं। तो मैंने कहा दृष्टि, बोले गलत। ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय के समान दृष्टा दृष्टि और दृश्य नहीं होते हैं, ये कोई बुद्धि की वृत्ति नहीं है। दृष्टा की अद्वितीयता का अज्ञान ही दृश्य की पृथकता का हेतु है। लो, जब तक हम अपने आप को अद्वितीय ब्रह्म नहीं जानते तब तक मालूम पड़ता है कि दृश्य हमसे अलग है। यदि अपने आप को जान ले तो, बोले बाबा ऐसा सर्वात्म बोध तो और कहीं है ही नहीं है। आम मन उरा बाबा सूर्यस्त, काल से अतिक्रांत जो मनु है वो मैं था, और वर्तमान में भासमान जो सूर्य है वो मैं हूं। देखो तो अहम मनुरभवम सूर्यस्त, जो बीत गया और याद आता है वो मैं ही था, और जो इस समय मालूम पड़ रहा है कि वो मैं ही हूं। दृश्यम पृथक नास्ति, दृश्य पृथक है ही नहीं। ऐसा चिंतन करने से जब मन में दृश्य का जो पंक है, कलंक है, भ्रम है, वो जब मार्जन हो जाता है उसका, तो संपन्नम चेत, मार्जनम संपन्नम चेत तदुत्पन्ना परा निर्वाण निर्वृति, तब तो परम निर्वाण आपके परमानंद परम निर्वाण आपको अभी अभी प्राप्त है। इसका नाम आत्माभ्यास है। बोला सर्गादावेव नोत्पन्नम दृश्यम नास्तेव सर्वथा इदं जगदहं चेति ब्रह्माभ्यासं विदुर्बुधाः। सृष्टि के प्रारंभ में ही कुछ पैदा नहीं हुआ, प्रारंभ में ही कुछ नहीं है,
जहां कुछ नहीं है वहीं कुछ पैदा होता है, इसलिए जो कुछ पैदा होता है वो अपने ना में पैदा होता है, आदि में ना, अंत में ना, तो ये बीच में कहां से आ गया, कुछ नहीं है। तब इदं जगदहंतेति, जो इदं प्रतीत हो रहा है वो सब अहम ही है। ऐसा ऐसा क्यों नहीं कहते कि जो अहम प्रतीत हो रहा है वो इदम ही है, ऐसा क्यों नहीं बोलते? बोले देखो, इदम तो बदलता रहता है, कभी भासता है कभी नहीं भासता है, परंतु अहम बदलता नहीं है, हमेशा एक रस रहता है, इसलिए स्थाई नित्य वस्तु अहम से उपलक्षित आत्मा है ब्रह्मा। इसका नाम है ब्रह्माभ्यास। तच्चिंतनम्, लोगों से मिलो तो उसी की चर्चा करो। तत्कथनम्, तच्चिंतनम्, तत्कथनम्, तच्चिंतनम्, तत्कथनम्, अन्योन्यम तत्प्रबोधनम्, दूसरे एक दूसरे को उसी को समझाओ। एक परत्वंच, एक तत्पर हो जाओ उसी के प्रति, इसका नाम है आत्माभ्यास, ब्रह्माभ्यास। मनुस्मृति में आत्माभ्यास शब्द का प्रयोग है, बोला मनुस्मृति में, और धर्म का ग्रंथ है ना। जब उक्तान्यपि कर्माणि परिहाय द्विजो तमः आत्माभ्यासे समीचस्यात् वेदाभ्यासे च यत्नवान्। दुनिया के दूसरे काम धंधे छोड़कर जिसको परमात्मा का दर्शन करना है, साक्षात्कार करना है, एक साथ दस काम नहीं होता। एक काम बिल्कुल ठीक ठीक मन लगा के कर लेना चाहिए। तो जब आत्माभ्यास है तो रहे कहां? तो बोले उपस्थित ही, अंतर्मुख रहकर कीजिए। उपमाने आत्मनः, उप समीपम, समीपे स्थित ही, अंतर्मुख रहकर, अपने आप के पास रहकर अपना अभ्यास कीजिए।